मार्च में हरी झंडी दिन पुजे हो की कहना चाहते हो? हाँ, बहुत खुशी की गल है कि जड़िया दस्तार मार्च की गल पहली गल तो क्यों हो रही है? दस्तार मार्च की गल इस करके हो रही है कि पंजाब दे विच साडे बच्चों के सिरों उत्ते दस्तारा है नहीं गे, तो वो उन्हां वास्ते एक चेतना पैदा करन वास्ते भी जिहड़ी ये दस्तार आए गुरु पातशाह की बख्शिश आ साडा सत्कार का चिन्ह, तो इस वास्ते बच्चे जिहड़े फैशन वल नूं जा रहे हैं जां होर पासियां नूं जा रहे हैं उन्हूं जिहड़ा साडी केसरी दस्तार आ इहदी महत्ता बारे दसना, उहदे वास्ते कि लोकां विच जिथे जाणगे ये चेतना पैदा होगी भी ये दस्तार जिहड़ी आ ये साडी सरदार दी शान। जिहड़ा दस्तार केसरी दस्तार मार्च है, सब तो पहला असीं जिहड़ा नौजवान बच्चों च दस्तार की चेतनता लियानी चाहते हैं कि बच्चे माण महसूस करन कि साडी शान है साडा माण है दस्तार बन्नन। दूसरा साडा कई निशाने ने, एक सब तो वड्डा है साडी सोच है कि बंदी सिंह जो 30-30-32 साल तो जेलों च बंद ने, जिहड़े जेलां कट भी चुके ने पूरियां, उन्हां नूं तुरंत जिहड़ी सरकार है चाहे वह हिंदुस्तान की सरकार के अंडर आउंदे चाहे पंजाब की तुरंत रिहा करे, तो जिहड़ा साडा वाघा बार्डर आ हुसैनी वाला बार्डर आ वो तुरंत खोलिया जाए क्योंकि पंजाब बहुत पिछे जा रहा, जिहड़े साडे बच्चे आ सारे छड के विदेशों नूं जा रहे ने सारे जा रहे सी उन्हां वो इत्थे चंगीआं सोहणीआं सोहणीआं इंडस्ट्रियां लगन सोहणा सोहणा कारोबार चले साडा बचा हो जाए, एक साडी बहुत पुरजोर मंग है वो असीं सेंटर सरकार को भी उठा चुके हैं कि पंजाब नूं शामलाट क्यों बनाया गया, जे आ लागे हिमाचल है लागे राजस्थान है पंजाब का कोई भी वासी, मैं सिखां दी नहीं गल करदा, कोई भी वासी ना तो उत्थे जमीन खरीद सकता ना उत्थे वोट बना सकता ना उत्थे अपनी कोई नौकरी कर सकता, वो आण के कोई भी किसी भी सेड़ दा आण के साडे दुख की गल आ इसे मुल्क च रहण वाले बंदे आ वो जदों मर्जी आ के इत्थे जमीन भी खरीद सकते हैं नौकरी भी कर सकते हैं घर भी खरीद सकते, साडे ते पाबंदी क्यों? ये साडियां मेन मंगां, चंडीगढ़ 23 पिंडां नूं उजाड़ के बनाया गया तो वो चंडीगढ़ साडी पंजाब की राजधानी आ वो सानू पंजाब नूं मिलनी चाहिए आ, जिहड़े बंदी सिंह तुरंत रिहा होने चाहिए ने, जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीआं जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां जिन्हां ने कराइयां जिन्हां ने अपनी सियासती ताकत नाल जिन्हां ने उन्हां नूं न्याय नहीं दवाया वो कराउण दे विच वो बचाउण दे विच जिहड़े जिन्हां दा भी भूमिका वा उन्होंने तुरंत जेलों में टकिया जाना चाहिए, यह बहुत बेनती है। ये गुरद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर तो शुरू होकर यह जाएगा जी गोंदवाल साहब खडूर साहब तो तरन तारण साहब तो दरबार साहब की परिक्रमा करके श्री अकाल तख्त साहब से अरदास होगी। रास्ते में एक पड़ाव आ जिहड़ा तलवंडी चौधरियां तो राइट लैके जिहड़ा गुरद्वारा साहब बाबा बीर सिंह का दमदमा साहब गुरद्वारा साहब आ उत्थे लंगर छकन गए सिंह सारे, उदू रास्ते बाद अंदर नहीं किसी गुरु घर जाना बार बार परिक्रमा करके चले जाना। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश च बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकदे ने, घर बैठे 11 मिंटां च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435032321।